हेलो गाइस, वेलकम टू कुलटेक अगेन। तो गाइस, अक्सर अगर आप लोग अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या इस तरह की किसी भी शॉपिंग वेबसाइट से शॉपिंग करते रहते हैं तो एक प्रॉब्लम हम में से अक्सर लोगों को फेस करनी पड़ती है, जो कि होती है रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवरी की या फिर डिफेक्टिव प्रोडक्ट डिलीवरी की या इस तरह के कुछ भी इशूज जिसमें आपको आपने जो ऑर्डर किया है वैसा आपको ना मिला हो वो प्रोडक्ट में। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट करते हैं। सम टाइम आपका काम बन जाता है, सम टाइम आपका काम नहीं बनता है। तो यहाँ पर दूसरे वाले पार्टी बात करेंगे कि आपको कुछ यहाँ पर रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर हुआ, आपने कस्टमर केयर से मतलब बात किया, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया कि भाई हमारी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है, ना हम आपका रिप्लेसमेंट लेंगे ना हम आपका या आपको पैसा देंगे। तो इसके बारे में यहां बात करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बात करेंगे कैसे आप इसको टैकल कर सकते हैं और कैसे अपना काम बना सकते हैं। देखिए, यहां पर मैं आपको बताता हूं कि मैं कई सालों से ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा हूं, आप भी हो सकता कर रहे होंगे। मैं 6-7-8 साल से कर रहा हूं और मंथली बेसिस पे बहुत सारी शॉपिंग करता हूं और इस तरह के इश्यूज मेरे साथ कई बार हुए हैं और उसको मैंने जैसे भी टैकल किया मेरा लगभग 80-90% बार मेरा काम बन जाता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आप लोग को मेंशन करता हूं एक वीडियो को, जो कि ये वाला वीडियो है। इस वीडियो को आप जरूर जाकर देखिएगा जिसमें मैंने बहुत सारे ट्रिक्स बताई हैं, टिप्स बताई हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप कस्टमर केयर से अपने काम निकलवा सकते हैं। बहुत ही अच्छी टिप्स हैं। इस वीडियो में यहाँ पे बात करते हैं, कोई टिप्स नहीं, एक सिंपल वे की जिसमें आप लोग अपना काम कस्टमर केयर से बनवा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने रिसेंटली एक फ्लिपकार्ट से एक वॉल सेल्फ ऑर्डर की थी जो कि पैक ऑफ 3 थी 640 रुपए में। जब वो डिलीवर हुई तो ओनली 1 डिलीवर हुई। जब मैंने उसको रिटर्न के लिए डाला तो फ्लिपकार्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने ये बोल के कि आपका जो रीज़न है वो सही नहीं है तो हम आपको रिटर्न आपका नहीं देंगे। मतलब वहाँ मेरा पैसा फंस गया, बट मैं एक जेन्युइन कस्टमर था, जेन्युइन ऑर्डर था मेरा, मैं कोई फ्रॉड नहीं कर रहा था। इस तरह के केसेस में आप क्या करें जब आप जेन्युइन हो और आप फ्रॉड ना कर रहे हो। तो मैंने कुछ चीज़ें की, उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने मेरा पैसा भी वापस कर दिया और प्रोडक्ट भी लेकर नहीं गए। अब ऐसा कैसे हो जाता है ये मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए, होता क्या है, सबसे पहली चीज़ आपको बताता हूँ, जब ये बड़ी कंपनीज की बात आप करते हैं तो सबसे मेन चीज़ एक ध्यान रखिए, जो मैंने कई वीडियोस में आपसे बोली है कि उनका यूज़र बेस खराब ना हो, ये मेन उनकी प्रायोरिटी होती है। यूज़र गुस्सा ना हो और ख़राब ना हो, वो मतलब जो भी यूज़र है गुस्सा होकर कहीं और शिफ्ट ना हो जाए, ये बहुत मेन चीज़ होती है। इसको ही मेन पकड़ के आपको काम करना रहता है। अगर आप जेन्युइन हैं तो इस चीज़ को अगर आप पकड़ के काम कर रहे हैं जो आगे मैं बताऊंगा, तो आपको काम बन जाएगा। देखिए, होता क्या है कि आप जब इस तरह की चीज़ें होती हैं उसके बाद आप कॉल कर रहे हैं, वो बात नहीं मान रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें आप करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ आप एक ध्यान रखिए कि अगर आपको अदर ब्रांड का कुछ डिलीवर हो गया, जो आपने ऑर्डर किया था वो डिलीवर ना हो गया, किसी अदर ब्रांड का वही प्रोडक्ट डिलीवर हुआ, फॉर एग्जाम्पल एक सेल्फी स्टिक, तो आप जब रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ पर एक कमेंट बॉक्स होता है। उस कमेंट बॉक्स में आप लोग जो अक्सर उसको इग्नोर कर देते हैं, मैं सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस उस कमेंट बॉक्स को ही देता हूँ, क्योंकि वो कमेंट बॉक्स में जब आप किसी चीज़ को लिख रहे होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है कि आप उसको लिख रहे हैं और किस तरह से लिख रहे हैं। उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका रिटर्न एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, या आपकी बात बनेगी या नहीं बनेगी। देखिए, उस कमेंट बॉक्स में जो भी चीज़ आप लिखते हैं वो एक सामने दूसरा एक आदमी पढ़ता है, कंप्यूटर नहीं पढ़ता है उसको, एक आदमी पढ़ता है। तो मतलब अगर आप अपनी बात को जितना ज़्यादा अच्छे से लिखेंगे, मेरे से भी ज़्यादा अच्छे से आप लिख सकते हैं, तो फिर आपका बात वहाँ पर बन जाती है। इन दिस केस मैंने क्या किया, मैंने उनको यहाँ पर कुछ चीज़ें बोली जो आपको भी ध्यान रखनी है। सबसे पहला आपको मेन चीज़ ये ध्यान रखनी रहती है कि आपको अपनी इंपॉर्टेंस उन लोगों को बतानी रहती है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए। तो मैं अक्सर क्या करता हूँ, जो मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि आप उनकी शॉपिंग वेबसाइट को किसी अदर शॉपिंग वेबसाइट से कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला, सारी प्रॉब्लम्स मैंने बोली कि मैंने एक वॉल सेल्फ ऑर्डर की थी पैक ऑफ 3 की, मुझे एक ही डिलीवर हुई है, और उसके बाद ये सारी चीज़ प्रॉब्लम्स लिखने के बाद मैंने कुछ चीज़ें एडिशनली लिखी जो आपको लिखनी चाहिए, और आपको हमेशा रिटर्न कंप्लेन को मतलब प्रेफरेंस देनी चाहिए कॉल के बजाय, कॉल से ज़्यादा अच्छा रिटर्न रहता है, वो मैंने उस वीडियो में वही बताया था आप लोगों को। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर इस चीज़ लिखनी है कि मैं देखिए सारी चीज़ आपने प्रॉब्लम्स लिख दी, उसके बाद आप लिख दीजिए कि अगर आप प्राइम मेंबर हैं तो बहुत ही अच्छी बात है अमेजन के केस में, क्योंकि प्राइम मेंबर्स तो भाई उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट देते हैं वो लोग, और बियॉन्ड लिमिट जाके आपको सपोर्ट देते हैं। बाई चांस आप प्राइम मेंबर नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो आप उसमें ये लिखिए कि मैं आपका कई सालों से यूज़र हूँ, अगर आप हैं सच में कई सालों से, तो खासकर उनको आप ये बोलिए कि आप मेरे रिसेंट ऑर्डर्स देखे जाके, मैं कई सालों से आपकी वेबसाइट से ऑर्डर कर रहा हूँ। ये बहुत ही मेन पॉइंट होता है, अगर वो ये देखते हैं कि ये यूज़र सच में बहुत सालों से हमारे पास है या कुछ भी दिनों से है, अच्छे खासे ऑर्डर करता है प्लेस हमारे पास से, तो आप उनके लिए बहुत ही वैल्यूएबल कस्टमर रहते हैं। तो आप उनको अपनी इंपॉर्टेंस दिखाइए, मैं जो कि दिखाता हूँ कि देखिए मैं कई दिनों से, महीनों से या सालों से ऑर्डर कर रहा हूँ, और इस तरह की चीज़ें मैं जनरली मैंने कभी रिटर्न या इस तरह की चीज़ें मैंने कभी आपसे शेयर नहीं की हैं,
वो इन चीज़ों को भी देखते हैं कि हाँ सच में इस बंदे ने कभी इससे पहले नहीं किया है, यानी कि ये फ्रॉड नहीं कर रहा है ये। और बहुत सारे लोग बहुत सारी रिटर्न्स करते हैं तो भाई उस केस में तो उनका अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया जाता है। तो अगर आप जेन्युइन हैं तो आप ये भी बोलिए कि देखिए मैं बहुत सारे ऑर्डर्स करता हूँ, मैं पुराना कस्टमर हूँ, और इन सब चीज़ों के बाद आप उनसे कहिए मेरा शॉपिंग बिहेवियर चेक करिए, मैं अक्सर ऑर्डर्स करता रहता हूँ। इन सब चीज़ों के बाद अगर आप ये सारी चीज़ें आप शेयर कर रहे हैं उनसे, और एक लास्ट में भी लिख दीजिए अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते हैं तो मैं फिर इससे अच्छा दूसरी शॉपिंग वेबसाइट से शॉपिंग करूं जहां पर मेरा कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। कंपैरिजन अगर आपने कर दिया तो आप ये मानिए कि बहुत ही हद तक आपकी बात बन जाती है, अगर आप जेन्युइन हैं तो खासकर। तो ये चीज़ें अगर आप करते हैं, मैंने इस केस में यही किया और नेक्स्ट दिन मेरे पास मेल आया कि आपका रिफंड इनिशिएट कर दिया गया है और आपको प्रोडक्ट मतलब पैसा उन्होंने दे दिया, प्रोडक्ट नहीं लेगा, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट तो फ्री हो गया। हालांकि इस केस में भी जेन्युइन था, मैंने मेरी गलती नहीं थी। तो इसका इस्तेमाल अगर आप लोग करते हैं, अपनी इंपॉर्टेंस को शो करते हैं कस्टमर केयर को रिटर्न में, कोई टिप्स नहीं, कोई ट्रिक नहीं, बस सिंपल सी चीज़ है, कंपैरिजन कीजिए, अपनी इंपॉर्टेंस बताइए, अपना शॉपिंग बिहेवियर चेक करने के लिए उनको कहिए, और आप देखेंगे कि अगर आप जेन्युइन हैं तो आपका मोस्टली केसेस में, मैं 100% केसेस की बात नहीं करूंगा, मोस्टली केसेस में आपका काम बन जाएगा। छोटी कंपनीज में ये चीज़ 50-50 वर्क करती है क्योंकि वो अपनी जेब से पैसा हर कोई देना अफोर्ड नहीं कर सकता है, बड़ी कंपनी जरूर अफोर्ड कर सकती हैं इसको। तो ये चीज़ें मैं अक्सर करता हूँ और मेरा अक्सर काम बन जाता है, होपफुली आपका भी बन जाएगा। तो आप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो तो आप यहाँ पर इस वीडियो को लाइक कीजिए, उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा जो मैंने बोला, अनबॉक्सिंग वीडियोस भी देखिएगा जो इस वॉल सेल्फ का था वो भी। तो इस वीडियो में इतना ही है, आप यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए टिप्स के लिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए छोटे मोटे ऑफर्स के लिए और बैक कैमरा स्टोरीज के लिए। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।